तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं ध्रुव और मैं हूं एक बायर, एक ओनर टाटा टिगोर एग्जेड ऑप्शन का। और ये गाड़ी मेरे पास करीब 2 साल से है और जो करीब 15,000 किलोमीटर के आसपास ही चली है। बहुत कम चलाता हूं मैं गाड़ी। ये गाड़ी मैंने ली थी 2018 में, 2 साल हो गए लगभग मुझे। तो 15,000 किलोमीटर चल जाने के बाद इसकी चौथी सर्विसिंग मैंने करवाई है, जिसकी कॉस्ट मुझे लगभग 1,000 रुपये के आसपास पड़ी है। उसमें कुछ नहीं था, जनरल चेकअप था। जनरल चेकअप था 750 रुपये का। बिल आप अपने स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आपको बिल आप देख सकते हो। और इसमें वाइपर ब्लेड जो थी वो मैंने चेंज कराई थी, सामने जो मिरर पे होती है। रिवर्स लाइट इसका खराब हो चुका था, जिसके बारे में आपको बताने वाला था इस वीडियो में, कि मेरा जो रिवर्स पार्किंग कैमरा है वो ऑन नहीं हो रहा था। जब भी मैं रिवर्स कैमरा ऑन करने के लिए पीछे रिवर्स गियर लगाता था। रिवर्स गियर लगाने के बाद में, मतलब ये ऑप्शन टाटा के टॉप एंड मॉडल पे आता है, एग्जेड ऑप्शनल या एग्जेड प्लस में आता है, तो जैसे ही रिवर्स गियर में लगाता हूँ तो वो कैमरा ऑन ही नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था, जैसे नथिंग टू नॉर्मल गाड़ी चलती थी। तो उसके लिए ये आप अपने कैमरे पे शो कर सकता हूँ मैं, ये चीज खराब हो गई थी इसकी, ये इसको रिवर्स टी बोलते हैं। जैसे ही यहाँ से यू प्रेस होती है, ये रखे रखे मेरी गाड़ी लॉकडाउन में काफी दिनों तक खड़ी थी, तो शायद इस वजह से ये खराब हो गया, इसमें शायद रस्टिंग वगैरह हो गई थी तो ये खराब हो गया। ये चेंज हुआ तो ये इसकी कॉस्ट मुझे लगभग 200 रुपये पड़ी। टाटा के किसी भी ऑथराइज्ड डीलर के पास आप जाओगे और उसके वर्कशॉप में जाके या फिर उसके सर्विस सेंटर पे जाओगे तो आपको ये, मुझे तो 200 रुपये बताए थे और दूसरे शोरूम्स में पता नहीं क्या रेट है, मुझे 200 रुपये का पड़ा है, जिसकी कॉस्ट यहाँ बिल में भी दी हुई है। 10,000 किलोमीटर अपना गाड़ी का ऑयल चेंज करवाया था, जिसके लिए टाटा वाले बोलते हैं आप साल दो साल में जितने भी कर सकते हैं, मगर गाड़ी की चलने के ऊपर और गाड़ी के लुब्रिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो गाड़ी है उसमें इंजन ऑयल कितना अच्छे से वर्क कर रहा है, लुब्रिकेशन अगर है उसमें। और गाड़ी लगभग 10,000 किलोमीटर कम से कम चलनी चाहिए और मैक्सिमम तो 20,000-25,000 भी चल सकती है। तो एक बार मैंने ऑयल चेंज करवा चुका था 10,000 किलोमीटर पे, गाड़ी सिर्फ 5,000 किलोमीटर चली है और गाड़ी में बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। बस ये है कि कैबिन नॉइस इसकी इसलिए है, मैंने पूछा था ये सर्विस सेंटर वालों से तो उन्होंने कहा था कि ये 3 सिलेंडर इंजन है इसका, 3 सिलेंडर इंजन थोड़ा ज्यादा नॉइजी रहता है, उसके मैकेनिकल प्रॉब्लम है, इसीलिए 4 सिलेंडर इंजन जो दूसरी बाकी गाड़ियां आती हैं हुंडई की, बलेनो की, सॉरी मारुति सुजुकी की, इनमें जो 4 सिलेंडर गाड़ी जो इनके इसकी राइवल वर्जन है बलेनो में, केबिन नॉइस थोड़ी कम आती है, इंजन थोड़ा कम नॉइस करता है। तो मेरी गाड़ी का जो थोड़ा सा नॉइस प्रॉब्लम है, जैसे कि गाड़ी को ज्यादा हम एक्सेलरेट करते हैं फर्स्ट गियर पे सेकंड गियर पे, तो थोड़ा सा वाइब्रेशन महसूस होता है गाड़ी के अंदर कि हाँ इंजन कुछ ज्यादा तेजी से वर्क कर रहा है। अदरवाइज गाड़ी में मुझे जो भी सिस्टम मिले थे गाड़ी में सब सही चल वर्क कर रहे हैं, एक्सेप्ट दिस कि ये इसका रिवर्स पार्किंग जो कैमरा है वो इसकी वजह से खराब हो गया था मैनुअली। तो ये सामने का बोनेट खोल के मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये जो टी लगती है इस पोर्ट के अंदर लगती है, इसको हमें ओपन करना पड़ता है यहाँ से और इसके अंदर ये एक पाना रहता है, उससे ये फिट हो जाती है मैनुअली। और जैसे ये तो दोस्तों, जब मैं सर्विस सेंटर गया था तो उन लोगों ने मुझसे ये कहा था कि आपकी गाड़ी का जो कैमरा है वो इस वजह से ऑफ हो गया है कि शायद चूहू ने आपकी वायरिंग कतर दी हो। तो उन लोगों ने पीछे की पूरी डिक्की खोली थी यहाँ से, डिक्की खोलने के बाद फिर उसका बोनेट वगैरह निकाला था, बोनेट निकालने के बाद सब कैमरे के पीछे जो वायरिंग रहती उसको चेक किया था, तो वो वायरिंग वैसी की वैसी थी क्योंकि चूहे ऑलरेडी गाड़ी में कोई थे ही नहीं, ना घुसने की कोई जगह है, ना यहाँ मेरे घर पे चूहे, तो जनरली यहीं खड़ी रहती। और चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आपकी गाड़ी में अगर कैमरा मैन्युअली ऑन हो रहा है, इसका मतलब सारी वायरिंग सही है, आपकी जो रिवर्स टी है ये खराब हुई है। जैसे आप रिवर्स गियर लगाते हैं तो ये प्रेस नहीं होता यहाँ, या फिर ये जो इक्विपमेंट है ये जो है खराब हो जाता है। ये 200 रुपये का आता आपको बता चुका। सो दिस इज इट गाइज, आप टाटा टिगोर और रेनो क्विड के बारे में जो भी आपके क्वेश्चन एंड क्वेरीज है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, और कोई वीडियो आप चाहते हैं कि मैं इस पर बनाऊँ आपकी डिमांड पे तो मैं वो बनाने को तैयार हूँ। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।